तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी, बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ, इल्तिजा उस दिन बात कर सकता था लेकिन बात अधूरी रह गई। ऐसी क्या खास बात है अंकल, कहिए। मेरी एक बड़ी बेटी थी पर भी उसने एक रोज खुदकुशी कर ली। बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा, जिगर का एक टुकड़ा कट के गिर गया। लेकिन उसने खुदकुशी क्यों की थी अंकल? इसलिए कि मैंने उसके जज्बात की कदर नहीं की, उसकी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया। मैं कुछ समझा नहीं अंकल, आप खुलकर बात करिए। और अब मुझसे भी ऐसे क्या पड़ता, मैं अब इस खानदान का फर्ज। क्यों नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो, इसीलिए तो मैं तुमसे ये बातें करता हूं। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं। परवीन किसी को पसंद करती थी, मैंने इसे मना कर दिया क्योंकि ये हमारे खानदान की रिवायत नहीं थी। शादी कर पसंद की शादी कर? हाँ, ये हमारे खानदान की रिवायत नहीं थी। हमारे खानदान में किसी लड़की ने अपनी पसंद से शादी नहीं की। आपने बेटी गवा दी ये रिवायत बचाते बचाते। कभी सोचा है आपने कि आपकी खानदान में कितनी लड़कियां इस रिवायत की भेंट चढ़ी, कितनी जीते जी मर गई? कभी सोचा? वैसे ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं समझता था कि उसकी मौत का सदमा सब भूल चुका, लेकिन उस दिन तुमसे सुना तो मुझे एहसास हुआ कि नौशीन ने अंदर ही अंदर वो सदमा पाल रखा। जैसे मैं अंदर ही अंदर सुलगता रहता। तो खैर आप अंदर ही अंदर सुलगते हैं? यकीनन, मुझे अपने जुर्म का एहसास है। नौशीन तो अपनी बहन के लिए तड़पती होगी और मैं अपनी बेटी की जुदाई में तड़पता रहता। मुझे सख्त नदामत है, ऐसी कि मैं किसी से कह भी नहीं सकता। मेरी बेटी नौशीन अगर उसको नींद में पुकारती रहती है तो ये उसका पागलपन नहीं,
उसके दिल में लगा गहरा देखो रेहान, जब जब नौशीन से मिलो और सामने दानियाल हो तो ऐसे बन के रहो जैसे नौशीन से तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं। मिसेस दानियाल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास इतना फजूल टाइम ही कि मैं आपके जाया करूं। रेहान भाई, ये आप हैं? नौशीन, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? वही हंसता खिलता हुआ रेहान, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं रेहान भाई। आप घर आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम घर आई हुई हो? हाँ, अपने मैके। और तुम्हारा वो सड़ियल शोहर, वो शकी मिजाज इंसान? शकी मिजाज नहीं है, आप खामखा उन्हें बदनाम कर रहे हैं। अच्छी तरह जानता हूँ वो क्या है। तुम ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत जल्दी ख्याल आ गया पूछने का। यार ये ताने और जो तंज है ना, ये किसी और दिन कर लेना। मैंने जो पूछा है वो बताओ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आप घर नहीं आ रहे? आऊंगा, जाहिर बात है, लेकिन अपने टाइम से ही आऊंगा ना। अब मैं इस ऑफिस का ऑनर तुम नहीं कि जब दिल किया छुट्टी कर ली। तुम अभी हो ना, तो शाम में मिलते हैं। शाम तक मैं घर चली जाऊंगी। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर में निकलूं। ठीक है, आप घर आ जाएं, फिर बात होती है। खुदा हाफिज़। I'm really sorry uncle, थोड़ी सी देर। नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं समझता हूँ कि घर की बातें दफ्तर में लाना कोई अच्छी बात नहीं है, जेब नहीं देता, लेकिन मैं ये बातें सबके सामने कर नहीं सकता था। हाँ ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? बस औलाद की खुशी के अलावा एक बाप और क्या चाहता है? बस। और मेरे दिल पर जो बोझ था वो भी मैंने हल्का कर। मैं ये बातें तुम्हारे सिवा और किसी के साथ कर नहीं सकता। आप इस घर को बेचने का सोच रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं नौशीन के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप उसका हिस्सा दे दें तो अच्छा होगा। वैसे भी अगर आप वो घर मुझे बेच दें तो मैं आपको मार्केट प्राइस देता। मैंने सोचा भी नहीं, ये घर मेरे बाप की निशानी है। वैसे भी बुरा मत मनाइएगा, आज आप हैं कल नहीं, इस घर को किसी ना किसी सूरत तो बिकना ही है। मैं मर गया तो उसके बाद जो मेरी औलाद करती है वो करती रहे, मुझे उससे कुछ फिक्र नहीं है। मैं ड्राइवर से बोलता हूँ आपको घर छोड़ दे, ये बातें हम फिर किसी और वक्त कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़, रास्ते में टैक्सी ले लूँगा। कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को बोल रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर देगा। जी हुसैन से बोलिएगा गाड़ी निकाले और अंकल को ड्रॉप कर दे। थैंक यू।
हाँ सारा बोलो। नाराज हो ना मुझसे? नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। जानती हूँ कल काफी गुस्से में आ गए थे, बात इतनी बड़ी नहीं थी कि कल की बात को भूल जाओ, बस अपनी जिद से तुम बाज आ जाओ। जमाल क्या मैं गलत जिद कर रही हूँ? तुम्हें पता तो है कि मेरी फैमिली का कितना प्रेशर है मुझ पर। देखो इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। टाल रहे हो ना सारा? देखो मैं ना झूठ बोलता हूँ और ना झूठा वादा करता हूँ। अगर मेरी सीधी बातों के बावजूद तुम उलझने पैदा करना चाहती हो तो फिर तुम करके देख लो। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कब कहा कि मैं उलझने पैदा करूंगी? मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि मेरा रहा सा सुकून भी जाता रहे। सुकून तो मेरा बर्बाद हुआ, मैंने गलती की। मुझे यही मुतालबा शादी से पहले करना चाहिए था कि जिस घर में तुम रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी। सारा जिस घर में तुम अभी हो वो भी मेरा ही घर है। अच्छा तो फिर इसी घर में आ जाओ ना, छोड़ दो वो वाला घर, तलाक दे दो उस्मा को। बहुत खुद गर्जा तुम सारा, ये मैं अब समझाऊ। और एक बात कान खोल के सुनो, मैं उस्मा को तलाक नहीं दूंगा। हाँ अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जब फ्री होगा मैं खुद ही कॉल करूंगा। तुम मुझे डुबोने का सोच रहे हो? नहीं, अगर मैं डूबी तो तुम्हें अपने साथ लेकर डूबूंगी। मुझे तलाक की धमकियां दे रहे हो, अब तो तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। प्लीज यार ऐसे नहीं करूंगा। आप आपकी कॉल आई जी, इसे तो मैं अंधेरी भूल गई थी। हेलो जनाब, कैसी तबीयत है आपके? आप हैं सर? जी मैं बस आप क्या समझी थी। बहरहाल आपकी आवाज से लग रहा है कि पहले से आपकी तबीयत काफी बेहतर है। जी सर, पहले से काफी बेहतर है मेरी तबीयत। तो सर मैं ऑफिस आ जाऊं? ऑफिस का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपकी वजह से रुका हुआ। अब आराम कीजिए, कल आ जाइएगा ऑफिस। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे घर में बैठे बैठे ना आजार हो गई हूँ। अब आजार बोर हो गई हूँ। सोबिया है ना आपके साथ, आप उसके साथ बातें करें आपका जी बहल जाएगा। अच्छा मैं काम करती हूँ, हॉस्टल का पता करके आ जाती हूँ। अब सारी उम्र इधर तो नहीं रहना ना। रह भी सकते हैं। जी आपका जब तक जी चाहता है आप यहाँ पर रहें, आपको कि निकाल तो नहीं रहा ना यहाँ से।
वो तो पता है सर, लेकिन ये ठीक नहीं है ना। अच्छा ऐसा है कि एक जगह का मैंने बंदोबस्त कर दिया। सच्ची सर? जी। कंपनी का एक फ्लैट है, मैंने लड़कों को भेज दिया है वहाँ सफाई के लिए। आप आज नहीं तो कल वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। कंपनी का फ्लैट? मैं कुछ समझी नहीं। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। शाम को घर आता हूँ तो फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके। कुछ खाएंगे आप? बना के लाऊं? कितना खिलाओगी मुझे? अब मुझे कुछ नहीं खाना, तुम इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो। किसी से जिक्र नहीं करना जो मैं तुमसे बात करने लगी हूँ, ठीक है? भाभी, भाभी, क्या हुआ नौशीन? आपसे कोई मिलने आया है? मुझसे? मुझसे कौन मिलने आ सकता है? पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। कौन है? पहले कभी देखा नहीं। अच्छा कहाँ है? मैंने उन्हें लाउंज में बिठा दिया। तुमने किसी अजनबी मर्द को लाउंज में कैसे बिठा दिया? मर्द नहीं, औरत। ये कौन है भाई? जी आप उस्मा है ना? जी मैं उस्मा हूँ। आप बैठिए। थैंक यू। बैठिए प्लीज। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अपनी पहचान ही तो करवाने आई हूँ। मेरा नाम सारा है। जी मतलब आप कहाँ से आई हैं? वो जो पहले मिली थी आपकी बहन है? वो नौशीन। नौशीन मेरी नाम है। हाँ नौशीन। नौशीन तो जमाल की बहन है। और आपकी बहन? मेरी बहन? मुझे हैरत है कि आप सबको जानती हैं, सबके नाम जानती हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बता रही आप। वो मैं जी मैं सुन रही हूँ। शायद आपको जानकर अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आ जाए ये जानकर कि मैं कौन हूँ। पहेलियाँ तो मैंने बचपन में भी कभी नहीं बूझी। प्लीज़ आप साफ बात करें कि आप कहना क्या चाहती हैं। आप बताएं आप कौन हैं और किस लिए आई हैं। बहुत मजबूर हूँ, आना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं। लेकिन प्लीज़ जो कहना है जल्दी और साफ साफ कहें, क्यों खामखा आप तजस्सुस पैदा कर रही हैं? मैं
सारा हूँ, मिसेस सारा जमाल। आप किस जमाल की बात कर रही हैं? वही जमाल जो आप समझ रहे हैं। क्या बकवास है ये? मुझे मालूम था आपके लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। रुको नौशीन, रुक जाओ। ये मेरा और तुम्हारा राज है, किसी को भी कहने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? अब इतनी बड़ी बात है, कोई ना कोई सबूत तो होगा ना मेरे पास। लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। ये लो। मेरे और जमाल का निकाह नामा है, उसकी फोटोकॉपी देख लो। अरे पकड़ो। तो बहुत अफसोस की बात, लेकिन क्या करूं, जमाल ने मेरे से वादा खिलाफी की है। उसने कहा था कि अपनी पहली बीवी से खुद बात करेगा, लेकिन झूठ है ये सब। तो जमाल से पूछ लेना, झूठ तो उसने बोला है, तुमसे, मुझसे, हम सब से। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे भी वही इज्जत मिले जो उसकी पहली बीवी को उसके घर वालों ने दी। बस, मैं कहती हूँ कि बस करो और निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से जलील करके निकालूँ। निकल जाओ यहाँ से। शोर करोगी तो सबको पता चल जाएगा। मैं तुम्हारी तरह कोई काम छुपा कर नहीं करती। ये सब सच है या झूठ मैं सबको बता कर रहूंगी, ताकि सच खुलकर सबके सामने आ जाए। तुम्हारी मर्जी, हमाकत करोगी? जिस तरह तुमने हमाकत की है खुफिया निकाह करके। ठीक है, चलती हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक ही घर में बहनों की तरह भी रह सकते हैं। निकल जाओ यहां से, मैं कहती हूं अभी निकल जाओ यहां से। जो औरत मेरा घर बर्बाद कर दे, मेरा घर उजाड़ दे, वो मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। निकल जाओ यहां से। एक्सक्यूज मी, मिस मायरा चली? आज आई नहीं है। क्या मतलब आई नहीं है? शायद तबीयत ठीक नहीं, इसलिए। वैसे आप कौन?
मैं कोई नहीं। और क्या क्या जानती हो जल्दी से बताओ। और वो ना साहब के अपने अब्बू से नहीं बनती, तभी तो वो अकेले रहते हैं इस घर में। वाह भाई, तुम तो बड़ा कुछ जानती हो। पता है उनका एक भाई भी है सौतेली माँ से। सौतेली माँ? जी, सौतेली माँ की उनसे नहीं बनती, तभी तो वो यहाँ रहते हैं अकेले। आपको मेरी सर की कसम, ये बात ना आप किसी को बताइएगा नहीं, वरना साहब को पता चला तो। नहीं नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, तो तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। साहब आ गए, चलिए जी मैं तो चलती हूँ, लेकिन आपको याद है ना मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कह दिया ना मैं किसी से भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, बल्कि मैं इस बात का जिक्र ही नहीं करूंगी। हाँ तुम आराम से जाओ। सब झूठ हो, एक ख्वाब हो, एक ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर हमेशा उलट होती है। झूठ हो ये सब। कैसा गुजरा आपका दिन? ठीक था। वो तो अच्छा हुआ कि सोबिया घर पे थी, दिल लगा रहा, वरना तो दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। एक बात कहूँ आपसे? जी। आपको नहीं लगता कि ये सोबिया के पढ़ने लिखने की उम्र है, उसे स्कूल जाना चाहिए? लेकिन ये तो उसके माँ बाप का फैसला है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहे ना तो ये मुमकिन हो सकता है। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ना उसके घर वालों को समझाना चाहिए कि ये उसकी पढ़ने की उम्र है, और अगर आप उसकी तालीम का खर्चा उठा लें। देखिए ना, आपके पास तो अल्लाह का दिया हुआ इतना सब कुछ है, कुछ कुछ कमी तो नहीं आ जाएगी? गरीब थोड़ी हो जाएंगे आप। सच्ची बात यह है कि मैंने इस पहलू पर कभी गौर ही नहीं किया। हर इंसान के सामने अपनी एक दुनिया होती है, भीख देना और बात है और किसी की जिम्मेदारी लेना और बात है। हाँ, जैसे कल से आपने मेरी जिम्मेदारी ली भी है, मैंने आपको परेशान किया हुआ है। कैसी परेशानी? एक तो बीमार पड़ गई, ऊपर से। अच्छा, आप वो फ्लैट का बता रहे थे, क्या हुआ उसका? वो रेडी हो गया। वो किराया कितना होगा? किराया? हाँ, अब किराए के बगैर मैं वहां पे क्यों रहूंगी? वो देख लेंगे, आप वहां मुस्तकिल थोड़ी रहेंगी, शायद आपका इरादा बदल जाए और आपको घर वापस जाना पड़े। वहां तो कोई घर नहीं है, एक बहन के यहाँ ठिकाना था, लेकिन वहां जाने के भी कोई चांसेस नहीं नजर आते। इसको भी देख लेंगे, मैं चेंज करके आता।
लड़की जो कुछ बता के गई है वो सच है? वो तुम्हारी बीवी है? अब इस घर में उस वक्त कदम रखना जब उस लड़की को तलाक दे चुके होगे। अब इस घर में उस वक्त कदम रखना जब उस लड़की को तलाक दे चुके होगे। भाईजान की जायदाद बाहर जाती नजर आ रही है मुझे। अगर तुम्हारी औलाद नहीं होती तो जमाल इस सारी दौलत का क्या करेगा? मैं कहती हूँ अब भी अकल से काम लो, उसे दूसरी शादी करना है। तुम इस वक्त स्ट्रेस में दबाव की वजह से तुम खुद ही एक तस्वीर बना रही हो और खुद ही उसमें रंग भर रही हो। आप ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत डर गई, कहीं वो तस्वीर सांस लेती मेरे सामने आ खड़ी हो। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि जिसे तुम्हें यकीन आ जाए। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? ये लो, मेरे और जमाल का निकाह नामा, उसकी फोटोकॉपी देख लो। है तो बहुत अफसोस की बात, लेकिन क्या करूं, जमाल ने मेरे से वादा खिलाफी की है। उसने कहा था कि अपनी पहली बीवी से खुद बात करेगा, लेकिन तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम मेरे ही घर मुझे जलील करने पहुंच गई? जमाल एक मिनट गुस्सा साइड पर रखकर मेरी बात गौर से सुन। क्या सुनूं? तुम मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रही हो। ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने हक के लिए। शट अप, जस्ट शट अप। तुम और तुम्हारा हक, इंतहाई मौका परस्त और खुद गर्ज रहते हो तुम। जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब मौका आएगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तो फिर तुम्हें यह कदम उठाने की क्या जरूरत थी? इस वक्त तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, तो तुम मुझ पर बरस रहे हो। तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। तुम जानती हो सारा कि मेरे घर का सेटअप क्या है। वो घर मेरा है, लेकिन वहां पे मेरा हुक्म नहीं चलता, मेरे बाप का हुक्म चलता है। और तुम्हें पता है कि मेरे बाप नहीं आने से पहले मुझे क्या कहा था? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा जमाल चाहिए। प्लीज बंद करो अपनी ये ड्रामाबाजी, नहीं चाहिए मुझे। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगा? कभी नहीं। अब तो जो होना था हो गया, तो क्या तुम्हारे फैमिली वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे वो, नहीं करेंगे वो कबूल तुम्हें। तुम्हें पता कि मेरे बाप नहीं आने से पहले मुझे क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम्हें तलाक दूं, उसके बाद उस घर में अपना कदम रखूं मैं। नहीं नहीं, मैं मजबूर थी, दबाव में आ गई थी। अच्छा, तुम दबाव में आ गई थी? तुमने दबाव में आके यह कदम उठाया ना, तो मैं दबाव में आके तुम्हें तलाक दे सकता हूं। बस बस, कुछ भी कहने से पहले मुझे सफाई का मौका दे दो। मैं क्या करती जब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे मां बनने वाली हूं, तो मैं दबाव में आ गई थी ये सोच के कि मेरा बच्चा वो छुप छुप के अपने बाप से मिलेगा, उसको शनाख्त नहीं मिलती,
किसी को भी बताने से डरेगा कि उसके बाप ने उसकी माँ को जमाने से छुपा के रखा। उज्मा तुम्हें वारिस को दे ना सकी और शायद कभी दे भी ना पाए। तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम दूसरी शादी करो। तुम अगर फैसला कर लो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। तुम माँ बने वाली और तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्यों? कैसे बताती जमाल? और क्यों बताती जब मुझे खुद एहसास नहीं है कि तुम मेरे साथ हो? तुम्हें दुनिया का सामना करने का हौसला नहीं, अपने बाप की धमकियों में आ जाते हो तो क्यों बताती? तुम मुझे तलाक देना चाहते हो ना, तो दे दो। तुम्हारे अबू भी यही चाहते, मान लो उनकी बात। अरे बाजी, ये क्या कर रही हैं आप? आप छोड़ दे, मैं कर लूंगी। मैं तुम्हारा हाथ बटा दूंगी तो क्या हो जाएगा? तुम आराम से अपना काम करो, मैं चाय को देख लेती हूँ। मायरा, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं बस सोबिया का हाथ बिठा रही थी चाय बनाने में। अरे आप तो इस घर में मेहमान हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत को क्या हुआ? थोड़ा सा बुखार था रात को, वो ठीक हो गया है। आप बैठे, मैं चाय लेके आई। अच्छा, हम चाय पी ले, उसके बाद आपको आपका घर दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा। मेरा घर? जी, आपका घर।